हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y33S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग को अपने डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अभी आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जो है ना ऊपर की साइड ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेवर वाइब्रेट का, नेवर वाइब्रेट इस ऑप्शन की ठीक सामने आपको ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये ब्लू टिक मार्क लग जाएगा नेवर वाइब्रेट के सामने वाले सर्कल पे। तो इस तरीके से आपकी ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है ऑफ हो जाएगी, यानी कि डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पे कभी भी कॉल आएगा ना, इनकमिंग कॉल आएगा, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करेगा। आपका मोबाइल फोन जो है रिंगटोन की साउंड को क्रिएट करेगा, लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ये वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।